हनुमान जी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर ला रहे थे कालिंदी गिरी पर्वत। अब गिरिराज जी को लेकर आए और बीच रास्ते में जतिपुरा में मथुरा के पास में उनको छोड़ दिया। गोवर्धन नाथ जी को क्रोध आ गया। गिरिराज बाबा बोले, वाह रे हनुमान वाह, तू मुझे छोड़कर राम के पास जा रहा है, तेरी मंजिल तो राम है तो मेरी भी तो मंजिल राम थी, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। हनुमान आज तूने मुझे बीच मझधार में छोड़ा है, अगर मुझे राम नहीं मिले तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा कि तेरी सेवा करने वाला हनुमान वो बीच मझधार में रह जाए। हनुमान बोले, चुप रहे, रुक जाए, जरा शांति रखो, मेरे को जरा जाकर देखने दो, बात तो करने दो, बात क्या है, क्या हो गया ऐसा। हनुमान जी महाराज तुरंत पहुंचे और श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर उसी पल उसी क्षण राम जी से कहा, प्रभु आपने सेतु बनाने के लिए पत्थर लेकर आ रहे थे, हम गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहे थे, सारे पत्थर वहीं की वहीं फेंक कर आ गए। गोवर्धन नाथ जी को क्रोध आ गया, उन्होंने मेरे को श्राप देने की आतुरता रख दी। भगवान राम ने कहा, जाकर गोवर्धन नाथ जी से कहो कि तुम्हें मिलन की इतनी आशा है, चिंता मत करो, अभी तुम मेरे पास आ रहे थे और द्वापर में स्वयं राम तुम्हारे पास मिलने के लिए आए, स्वयं राम आए, तुम क्यों चिंता करते हो। स्वयं मैं खुद पहुंचूंगा। कितने भाई हैं गोवर्धन जी, गिरिराज पर्वत कितने भाई हैं, तीन भाई। कितने भाई हैं गोवर्धन नाथ, तीन। पहला द्रोणार्थ, क्या नाम था, द्रोणार्थ। दूसरा कांतानाथ, तीसरे नंबर का गोवर्धन। तीन पर्वत हैं द्रोणागिरी के। द्रोणागिरी राजा के तीन बेटे हुए थे। एक बार माता पार्वती जी ने काशी में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी तो भगवान शिव ने कहा, मांग पार्वती तुझे क्या चाहिए। पार्वती ने कहा, महाराज मुझे तप करने के लिए कोई पर्वत लाकर दे दीजिए। शंकर भगवान गए द्रोणागिरी से, कहा तेरा बड़ा बेटा मुझको दे दे। शंकर भगवान को द्रोणागिरी ने अपना बड़ा बेटा द्रोणार्थ दे दिया तो काशी जो बसी हुई है वो द्रोणार्थ पर्वत पर बसी हुई। कौन से पर्वत पर है, द्रोणार्थ, क्योंकि वहां पर बैठकर माता पार्वती ने द्रोणार्थ पर तप करा। अब जब राम जी के विश्राम करने का समय आया, त्रेता युग आया, ये तो सब सतयुग के आगे की बात हो गई, अब त्रेता जब युग आया तो राम जी के विश्राम की जब बात आई तो श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा, मेरे प्रभु यहां से निकल कर जाएंगे, मां उनको जब वन भेजेगी तब उनका विश्राम कहां होगा, ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा कहां निकालेंगे। तो उन्होंने जाकर द्रोणागिरी से निवेदन करा और द्रोणागिरी से निवेदन कर उनके बड़े बेटे मंझले बेटे कांतानाथ को लेकर आ गए, चित्रकूट में रख दिया। कहां रखे हैं, चित्रकूट। पहला कहां पर है, काशी। दूसरा कहां पर है, चित्रकूट। और तीसरे श्री पुलस्त्य ऋषि आ गए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, द्रोणागिरी मुझे तप करना है, तप करने के लिए तुम्हारा छोटा बेटा दे दीजिए। अब छोटा बेटा प्रिय बहुत था भाई, माता पिता का प्रिय था, अब करे तो करे क्या, बड़ा बाप को प्रिय छोटा मां को प्रिय, बड़ी आफत। अब दें तो दे कैसे, छोटा बेटा दे दीजिए। द्रोणागिरी ने कहा, प्रभु हम देने को तो तैयार हैं पर ये जाना नहीं चाहता। गोवर्धन नाथ जी से कहा, तुम चलो। गोवर्धन नाथ जी ने मना करा, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे, हम तुम्हें लेकर चलेंगे। द्रोणागिरी ने जब तुरंत सुना तो कह दिया, गोवर्धन तुम चले जाओ। तो गोवर्धन नाथ जी जाने लगे तो कहा, पुलस्त्य ऋषि तुम मुझे लेकर जा रहे हो पर अगर तुमने मुझको नीचे रख दिया तो मैं दूसरी बार उठूंगा नहीं, याद रखना ठीक है। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, तेरे में इतना दम है जो तू मेरे हाथ से नहीं उठेगा, देखता हूँ। पुलस्त्य ऋषि लेकर चले, लघु शंका लगने पर पुलस्त्य ऋषि ने जतिपुरा में रख दिया, पर्वत नहीं उठा। पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया, तू तिल तिल घटेगा। वो गोवर्धन पर्वत आज भी तिल तिल प्रतिदिन का घटता जा रहा है। तो पहला कहां पर है, काशी। दूसरा चित्रकूट और तीसरा, तो काशी की परिक्रमा पांच कोस की, चित्रकूट की परिक्रमा कांतानाथ जी की परिक्रमा तीन कोस की और गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा सात कोस। ऐसे तीन पर्वत है गोवर्धन नाथ जी के पास।
तीन स्वरूप है भगवान के, बड़े भाई सबसे चित्रकूट माँ काशी में विराज रहे हैं, फिर कांतानाथ जी के रूप में चित्रकूट विराज रहे हैं, फिर गोवर्धन नाथ जी विराज रहे हैं। भारत की भूमि के केवल तीन पर्वत हैं जिनकी पूरी परिक्रमा होती है। यहाँ तक लोग कैलाश जाते हैं तो कैलाश की परिक्रमा भी पूरी नहीं होती, आदि लगाकर पीछे से वापिस आना पड़ता है। पर भारत की भूमि पर तीन पर्वत इसे विराजमान है, पहला काशी, दूसरा कांतानाथ और तीसरा गोवर्धन नाथ, जिनकी लोग परिक्रमा लगाते हैं, पूर्ण परिक्रमा।